अच्छा सबसे पहले यहाँ युवा कितने हैं? बैठ गया यार, ये तो बार बार दफ्ती लेके खड़ा हो जा रहा है, कौन बुलाए इसको? तेजस्वी जी हमारे जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के, किसान जो आए, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने अपनी बातें रखी, इससे हमें बहुत सीखने को समझने को मिला, तो दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। दो तीन चीजें साफ दिखी। पहली बात, जिस चीज को हम भारत माता कहते हैं, जिस चीज को किसान अपनी मां कहते हैं, उनकी जो जमीन है उस पर चुने हुए लोग आक्रमण कर रहे हैं। आपकी जो जमीन है आपसे छीनी जा रही है और आपको उस जमीन के लिए सही कॉम्पेंसेशन, सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हम कानून लाए थे आपकी जमीन की रक्षा के लिए, हम कानून लाए थे, जमीन अधिकरण बिल, 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा आपको पैसा मिलना चाहिए था, बिना पूछे आपकी जमीन नहीं ली जानी थी, का 5 साल में प्रयोग नहीं किया गया तो आपको वो जमीन वापस मिलनी चाहिए थी। ये कानून था और ये कानून आपके लिए, किसानों के लिए हमने बनाया था और इस कानून को नरेंद्र मोदी जी ने रद्द किया और इस कानून को वो इन्फोर्स नहीं करते हैं। इंडिया की सरकार आएगी तो जो हमने जमीन अधिकरण बिल आपके लिए लागू किया था उस बिल को हम इन्फोर्स करेंगे और आपको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो आपको हम दिलवाएंगे। 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। ये आपने सर्कल रेट की बात कही, बिल्कुल सही बात है, यहां पे सरकार आएगी इसको हम ठीक करेंगे और सर्कल रेट हम आपके लिए यहां बना के दिलवाएंगे। तो ये हुई जमीन की बात। दूसरी तरफ जो मैंने आपसे कहा आपको सही रेट नहीं मिल रहा है, गेहूं के लिए, धान के लिए, अरहर के लिए, सब्जियों के लिए जो आपको रेट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। मैनिफेस्टो में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, पूरे देश में लीगल गारंटी एमएसपी के लिए, क्रांतिकारी काम है और मैं आपको बता रहा हूं ये पहला कदम है। हमारा लक्ष्य है कि जो स्वामीनाथन जी ने किया, कहा, उसको हम लागू करने की कोशिश करें। हमारी पार्टी में हमारे जो इंडिया पार्टनर है उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, जब भी कांग्रेस पार्टी से किसानों ने कुछ भी मांगा, चाहे वो कर्जा माफी हो, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे वो हरी क्रांति हो, हम पीछे नहीं हटे हैं, हमने आपकी रक्षा की है और हम आपकी रक्षा करने वाले हैं। आखिरी बात, राजनीतिक बात देखिए, लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। आज हिंदुस्तान में 2-3 अरबपतियों को पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है, सब चीज उनके लिए की जा रही है, किसान, मजदूर और जो हमारे युवा हैं। अब चुप हो गया, जो हमारे युवा हैं उनको दबाया जा रहा है,
उनका ध्यान भटकाया जा रहा है और उनसे उनका भविष्य छीना जा रहा है। तेजस्वी जी ने रोजगार के बारे में बोला और जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी जॉब्स हैं बिहार में, उन्होंने उनको भरने की कोशिश की। मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको सबको हम पूरा कर देंगे, एक नहीं छोड़ेंगे। और आपने युवाओं ने सवाल पूछा अग्निवीर पे, बताता हूं आपको। देखिए अग्निवीर योजना 1,50,000 युवाओं ने आर्मी के लिए 5 साल मेहनत की, वर्जिश की, ट्रेनिंग की, तैयारी की। योजना से पहले की बात कर रहा हूं, 1,50,000 युवाओं ने 5 साल मेहनत की और हमारी सेना ने उन्हें एक्सेप्ट किया। सेना का ऑफर 1,50,000 युवाओं को मिला। कोविड आता है, सेना उनसे कहती है देखिए कुछ ही समय में हम आपको आर्मी में ले लेंगे। जम हो गया सर। 3 साल उन्हें आया और फिर अंत में कहते हैं कि आपको जो हमने वायदा किया था, भर्ती का वायदा किया था, वो हम पूरा नहीं करेंगे। ना आप सेना में आ सकते हो, ना आपको अग्निवीर योजना में जगह मिलेगी। आज तक 1,50,000 युवा इधर उधर घूम रहे हैं और हमने उनसे कहा है कि देखिए आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, आपको या तो आर्मी में लेना पड़ेगा या अग्निवीर में लेना पड़ेगा या फिर कोई ना कोई कॉम्पेंसेशन आपको देना ही पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी इसके लिए आपके साथ खड़ी है और ये लड़ाई हमारी लड़ाई है। देखिए देशभक्ति की भावना करोड़ों युवाओं में होती है। अग्निवीर योजना ने एक नई चीज शुरू की है जो सेना में होगा, अगर वो शहीद होगा तो उसे शहीद कहलाया जाएगा, मगर अगर अग्निवीर का कोई जवान शहीद होता है तो इसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। मतलब दो तरीके के शहीद बना दिए। एक शहीद जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा और दूसरा अग्निवीर का शहीद जिसको शहीद नहीं कहा जाएगा, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा किसी को कि क्या करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, देखिए ये लोग समझ ही नहीं रहे। नहीं नहीं समझ रहे हैं। देखिए देश बदलना होगा। अग्निवीर क्यों आया मैं आपको बता देता हूं। बैठ जाओ नेता जी, बैठ जाओ। आप बात समझिए, अग्निवीर योजना में अगर 4 युवा आर्मी में जाएंगे तो उनमें से 3 को 4 साल के अंदर हटा दिया जाए। सही है। एक व्यक्ति को सेना में रखा जाएगा, उसको पेंशन मिलेगी, उसको रिटायरमेंट के बाद कैंटीन मिलेगी, उसको सब कुछ मिलेगा। और जो 3 लड़के हैं उनको वो पकौड़े बेचेंगे।
वो पकौड़े बेचेंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। अगर उनमें से कोई शहीद होता है तो उनको कहा जाएगा, भैया देखो तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं मिलेगा, मर गए तो मर गए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब ये हो क्यों रहा है आप समझिए, हम लोग बेवकूफ है इसलिए। आर्मी का जो बजट है ना, या आप उसको सैनिकों को दे सकते हो, या आप उसको सेना के लिए जो खून पसीना देते हैं उनको दे सकते हो, या फिर आप उसको अदानी जी को दे सकते हो। सीधी सी बात है, या आप एक रुपया इधर डाल सकते हो, या फिर उसी रुपया को आप वहां डाल सकते हो। आप देखिए डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट देखिए, हवाई जहाज के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, गोला बारूद के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, हाई टेक्नोलॉजी मिसाइल्स के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, उन सब में आपको अदानी कंपनी दिखाई देगी। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आप खोल के देख लीजिए, आपको अदानी जी का नाम दिख जाएगा। अग्निवीर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का डिफेंस बजट हमारे जवानों को ना मिले, उनके पेंशन में ना जाए, उनकी रक्षा में ना जाए, उनकी ट्रेनिंग में ना जाए, मगर अदानी जी के जेब में जाए। यही किसानों के साथ हो रहा है, यही मजदूरों के साथ हो रहा है, यही सेना के साथ हो रहा है, और यही लड़ाई है। युवा भूल गए सर, युवा के साथ अभी भैया सब जानते हैं। थोड़ा टाइम दे दो फिर देखो क्या होता है यहाँ पे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, मैं आप सबका फिर से तेजस्वी जी का धन्यवाद करता हूँ। और आप याद रखिए कि इंडिया गठबंधन किसानों की, जवानों की और युवाओं की रक्षा करेगा। हम एक कदम पीछे नहीं हटने वाले, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। वेलकम, ये काम आप लोग रोज करते हो और इसीलिए हमने ये यात्रा की है। तेजस्वी जी आए, बाकी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के नेता आए, आप सब लोग आए, आपने अपनी ऊर्जा अपनी शक्ति इस यात्रा में डाली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, तहे दिल से धन्यवाद। सीपीआई एमएल के भी लोग हैं, आपका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। नमस्कार।